बिस्कुट लाना है और टॉफी भी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं सीढ़ी में चढ़ा था, उस टाइम वीडियो नहीं बनाया, ये सीढ़ी टूटी है, देखिए छत में जा रहा था मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद जो है आज धूप खिली है और बादल लग रहे हैं, और ये सामने देखिए चाची लोग के शर्मदान में है या सर्विस में? सर्विस में ही पास है। अरे हाँ, तो देखिए दोस्तों ये नीचे वहाँ जो है मच्छी तालाब बन रहा है दोस्तों, वहाँ उसके लिए जो है रोखड़ ले जा रहे हैं, मतलब आप समझते हैं जो बजरी रेता ये चीज़ें। तो दोस्तों अभी मैं देखिए ये घर में बनाया ये सीढ़ी है, ये इसको जो है नीचे वहाँ ले जाना है मेरे को धूरा बुबुओं के वहाँ। तो वो जो है बरसात का सीज़न है ना, बरसात के सीज़न में क्या है कि यहाँ पत्थरों के घर हैं, क्योंकि जो घर हैं तो वो पत्थर टूट चुके हैं, तो उनके ऊपर जो है छोयाने के लिए सालम से घास होता था, तो पानी अंदर ना रिसे, इसलिए जो है सीढ़ी लगा के वो छत में चढ़ेंगे, फिर लगाएंगे भी दिखा। दोस्तों ये देखिए, ये लेके आ गया, ये है बूबू जी हमारी, श्रीमती केसरी देवी। तो यहाँ रिश्ता हमारा बूबू जी लगते, तो हम जो है यहाँ बूबू जी भी बोलते हैं, आप लोग बोलो। और ये देखिए सालम घास होता है, इतना ढेर सारा पूरा छत छोड़ना, हाँ सब जा सुए हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं पूरा छत जो है पत्थर के बने, आप लोग देखिए यहाँ इस साइड में प्लास्टिक रखा है बचने के लिए, और ये पत्थरों के घर हैं, तो टपक रहा, तो ये घास जो है पानी सीधा नीचे रिस जाएगा और जो कि अंदर नहीं जाएगा पानी। देखिए दोस्तों बूबू जी को डाउट हो रहा है, एक तो सीढ़ी जो है बरसात से टूट गया है, अब बूबू जी जा रहे छत में, आराम से डर रहे वो, डर लगने हैं, जा जा और पाथर रहने तमें। ये है अभी देखिए ये सालम है, अभी इसको छोया जाएगा बूबू जी के द्वारा, तलदीर पर मलदीर दुए छत छोड़ने वाला। तो ये एक लंबा घास होता है दोस्तों सालम, उसे जो छत छुया जाता है। आप देखिए मक्के के पौधे भी बड़े बड़े हो चुके हैं, ये देखिए आप लोग, कुछ टाइम पे मक्के भी तैयार हो जाएंगे, मक्का का फसल जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अभी बोया इसको जो है लगभग अप्रैल मई में, तो इस सितंबर में जो है मक्के के पौधे हो जाएंगे खाने लायक, जो कि भुट्टा बोलते हैं ना भुट्टा, तो तोड़ के उसको भूट के खाया जाएगा। और ये बूबू जी सालम को छोड़े अभी देखिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं सीढ़ी में चढ़ा था, उस टाइम वीडियो नहीं बनाया, ये सीढ़ी टूटी है, देखिए छत में जा रहा था मैं हेल्प करने के लिए, सीढ़ी टूट गया, वो तो मैं बच गया, चोट नहीं आई, वो वीडियो उस टाइम स्टार्ट नहीं किया था ना, मैं सोचा नहीं था दोस्तों कि सीढ़ी टूटी है। वो आमैल जो जहाँ पे वहाँ छत में नामी नहीं होना चाहिए, देखिए दोस्तों ये दो टुकड़े हो गए, एक तो बरसात के सीजन में, अब बूब कहा वहाँ तम बुला। हवा ये सीढ़ी जो है बरसात के सीजन में भारी पर रखा था, पानी लग के जो है इसमें जो है क्या कोई जाना बोलते हैं हमारे वहाँ, कंटम हो जाना, वो तो अच्छा मैं चढ़ गया, अगर बूबू जी छत से नीचे आते तो सीढ़ी टूटा तो हादसा हो जाता, उनको चोट उठा जाती, मैं तो संभल गया दोस्तों। चाचा जी आज पिछली बार वो देख रहे होंगे आपने मैट वो बना रहे थे, आ ये है इधर पे, ये घास की कितना प्यारा बना रहे हैं आप, हैंडक्राफ्ट एक रिंगाल का भी इतनी कलाकार होती, इससे ऐसा ऐसा नमूना बनाते हैं दोस्तों। ये चाचा जी आपको बता दिया गया ऑल ऑनर, और हमारे साथ बूबू जी भी जुड़ चुके हैं आज। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर ऐसा वाला गैप वाला बना रहे थे भाजी, ये क्यों वाला डॉक नहीं है, ये आँखियाँ, अरे आँखियाँ, इसमें गैप गैप होता है ना, एक तो पूरा चिपका होता है दोस्तों, देख रहे होंगे ये कितना प्यारा है यार आँखियाँ, ऐसे हमारे बूबू जी भी है श्री जयसिंह पवार बूबू जी। देखिए बहुत तेज बारिश हो गई दोस्तों, देखिए ये
बारिश हो रही है, बाबू जी ने देखा इतना छत को कवर कर लिया है बारिश में, तेल का कौन पर लार वाल लौट से पाया नॉर्मल है। ये देखिए सीढ़ी टूट गई थी और आप लोग देखिए ये ऐसे पत्थर में भी और बचा कर दूसरे साइड का। ये देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है, प्लास्टिक उड़ के छत को छेड़ रहे हैं। हाँ लोग देखिए दोस्तों छणी ले रहा ना चल का आ कह देखो उदी आ चल। तो दोस्तों देखिए बारिश में इतना काम कर रहे, देखिए इसको बता छालों में छोया गया है और बबू जी अभी पूरा काम कर रहे कंटिन्यू। अरे बीती ना बा कना बे। अच्छा शाम के 4 बज रहे हैं, देखिए यहाँ बारिश हो रही है। और सजा जी क्या बात, आप बारिश में भी इतना काम करे छतरी ओढ़ ओढ़ के देखिए दोस्तों क्या करें। अरे वो बना दिया आपने आगे का, अभी दिखाया जाएगा, अभी नीचे रखा होगा। बाप रे छतरी ओढ़ ओढ़ के सजा जी क्या बात, ये छतरी ओढ़ के इतना इमरजेंसी है, क्या समय का अभाव, क्या चक्कर इमरजेंसी ठहरे यार मेरा। बारिश में बारिश रुक नहीं रहे तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। देख लीजिए सजा जी मौसम का, अभी क्या बना रहे हो? अभी भी वही है। अरे डोका डोका दोस्तों देखिए अभी चाचा जी कहाँ रखा है डोका, अभी दिखाना है वो नीचे है यार बेटा किचन में होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहाड़ों पर कंटिन्यू बारिश हो रही है, लोग जो है काम करना नहीं छोड़ते, आप देखते होंगे यहाँ खेतों में भी काम कर रहे होंगे। और ये देखिए इधर चाचा जी जो है अपने छत में आके छत में काम करे और ये पूरा बारिश हो रही है। लकड़ियाँ कैसी कैसी है काम हमें आराम करना छे दियो में तो दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर रखे गए हैं, ये इससे पहले बनाएगा अभी निकालते हैं। ये देखिए चाचा जी अभी धूप में लगे हैं, ये अभी का ये बना रखा है दोस्तों देखिए डिजाइनदार युवा क्यों बना छेद वाले टोक है। तो देखिए दोस्तों एक तो ये देखिए पूरा गैप गैप है इसमें, और ये चंदा चंदा कैसे हो तुम ठीक हो? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ? पापा कहाँ गया दुकान? कब गया? अभी। अंकित वो क्या क्या मंगाया था, क्या क्या ला रहा है पापा दिल्ले? बिस्कुट ला रहा है और टॉफी भी। अरे टॉफी मेरे को देगी नहीं देगी? हाँ। और अंकित के लिए क्या क्या ला रहा है? दादा के लिए भी टॉफी। और कुछ नहीं मंगाया? और बिस्कुट भी दो दो। और मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर है। अंदर है? हाँ। क्या कर लिया? कुछ नहीं फोन में देख लिया। फोन देख लिया। हाँ। और ये अंकित टीवी देख रहा था। हाँ। किताब पढ़ता नहीं पढ़ता अंकित? पढ़ता ही है। हाँ? पढ़ता है? हाँ। अच्छा अभी क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं कर रहा था। अभी बारिश में और बुबू कहाँ तेरे? बुबू और छत में। क्या कर रहे छत में? कुछ नहीं। और अम्मा? अम्मा यही है। अम्मा अम्मा क्योंकि अम्मा को ऐसा अम्मा अच्छे लगते है बुबू अच्छे लगते है कौन अच्छा लगता है? अम्मा क्यों बुबू बुबू डांटते है? बुबू क्या डांटते है? अम्मा अच्छे लगते है। और इनकी किताब पढ़ा नहीं पढ़ा, टीवी देख रहा था यार। क्या देख रहा था टीवी में? कार्टून? क्या देख रहा था? ये तो दोस्तों देखिए अभी वीडियो में देखिए चंदा के आदेश बहुत शान है, अभी बात किया बड़ा अच्छा लगा, ये बोलती नहीं है। आ जाओ जाओ अंदर भीग दो, आ जाओ जाओ ये आ जा। तो दोस्तों देखिए ये है एक टाइप का और ये दूसरा वाला देखिए पूरा पैकअप है। तो दोस्तों बबू देखिए आगे बारिश में भी इतना काम कर रहे थे इमरजेंसी में छत में, वो छे कहा छत ओ बे शेर दे तू रोज किसे है कहा है भी पटाओ कटाई या बुई बुदी। अच्छा तो उस टाइम ओए पटाओ कटाओ दीदी से नहीं होया डे भी गए। तो दोस्तों आगे देख रहे होंगे बबू जी अपने छत में जो की शालम छोड़े थे हम बरसात के सीजन में टपकता था, तो बबू जी उस टाइम में सीढ़ी टूट गया था, आप लोग देख रहे हो दोस्तों बबू जी यार। तो देख रहे हो दोस्तों इधर पे ये देखिए चाचा जी ने फिर से एक बना दिया आज, फिर अभी दूसरा बना रहे हैं इसको। ये देखे एक गाल का डंडा होता है ना उससे देखे ये डंडा है, ये इसी को छिल के देखिए ये पूरा इसमें से 3-4 वरायटी के निकाले। इस वाले को क्या बोलते कहा चाचा जी है? ये वाले को हाँ ये पुत्रा, हाँ ये पुत्रा पुत्रा। और ये बबू जी के आगे हैं ये सोया, देखिए दो वरायटी के एक डंडे से निकालते हैं और बबू जी भी बनाते हैं ऐसा है। और बबू जी भी आए ऊपर से, बबू जी ने आपने देखा होगा दोस्तों बबू जी को
वहाँ पर जब हम ग्वालदेव पूजा वाली वीडियो में वो जी छाए थे, हमारे कुक कमांडर थे, बहुत अच्छा खाना बनाया था। और अंकित तो वेदर देखे कभी भी आजकल ऐसे होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से। वीडियो लंबा हो जाता तो इसी में फिनिश करते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल था तो आप लोगों को दिखा रहा था यहाँ पे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं।